हेलो गाइस, तो मैं आपका दोस्त सभ्या सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सभ्या सचिन चैनल। तो फाइनली गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ कि ये यस बैच के जो लेक्चर आपको सो रहे हैं, आप चाहे यकीन 1.0 से हो, 2.0 से हो या 3.0 से हो, तो क्या इसे हमें देखना है एज अ यकीन बैच स्टूडेंट, हमें देखना है क्या? तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो काफ़ी लोग का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है कि यस बैच है क्या, ये किस लिए दिया जा रहा है, ये लेक्चर्स ये क्या हमें देखना है, अगर नहीं देखेंगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ये यस बैच के लेक्चर से रिलेटेड, और ये यस बैच है क्या, ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं ये लाइव हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो काफी क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि यस बैच क्या है। तो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे पहले से फॉलो करोगे तो आप, मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक रैंकर बैच बनने वाला है। तो जी हाँ, ये रैंकर बैच ही है जिसका कि नाम रखा गया है यस बैच। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कैसे बना। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक रैंकर टेस्ट हुआ था, अगर आप पहले से फॉलो करो, लगभग 1-2 मंथ पहले से यकीन बैच को फॉलो करो, तो एक रैंकर टेस्ट हुआ था जिसमें कि जिसके भी अच्छे मार्क्स आए थे उनको सेलेक्ट किया गया था, फिर उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, एंड उनका फिर से एक टेस्ट हुआ था जो कि हाई मतलब सिक्योरिटी रूल्स के साथ हुआ था। तो उसमें भी जो अच्छा किए थे उनको केवल सिलेक्शन मिला है। और गाइज, मैं आपको बता चाहता हूँ ये यस बैच में आपको क्या फैसिलिटीज देखने को मिल रही है जो भी सेलेक्ट हुए हैं। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्हें 1-to-1 मतलब कि टीचर से बात कर सकते हैं, लाइक वीडियो ऑन रहेगा, एंड लाइक कहीं पर डाउट आ रहा है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं टीचर से। तो ये इस तरीके का हो रहा है। और कौन से सेट ऑफ फैकल्टी है तो वो तो आपको दिख ही रहे हैं। और गाइज, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि क्या हमें ये लेक्चर देखना है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है ये देखने का, क्योंकि अगर आप यकीन बैच के स्टूडेंट हो और अगर आप वो देख रहे हो ना, तो आप ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे ही टाइम नहीं होता है। और अगर आप वो देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो गाइज, बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है ही नहीं, और आप उसके बाद इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। और गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल से ही स्टार्ट हुआ है, 4 लेक्चर्स आए थे, तो डेली उन लोगों के 4 लेक्चर्स भी हो रहे हैं। और गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भी लगभग कल 2 घंटे वेस्ट हो गए, मैंने भी आधा आधा घंटा सारे लेक्चर्स देखे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को एक चीज तो समझ में आ गया कि यकीन बैच के जो भी टीचर्स हैं ना, चाहे एमडी सर हो, चाहे तरुण सर हो, चाहे एमआर सर हो, चाहे सर्वे सर हो, वो जो है वो हम लोग के लेवल का पढ़ाते हैं, और वो जो है टॉपर्स वाले बैच के वो केवल ऊपर ऊपर लेवल के पढ़ा रहे हैं, जो कि मेरे ऊपर से भाई जा रहा था। और अगर बात आती है एमडी सर की या तरुण सर का या नोमेश सर का या एमआर सर का, ये हमारे लेवल का पढ़ाते हैं, मतलब एवरेज स्टूडेंट के लिए पढ़ाते हैं, और ईजिली इस बैच से पढ़कर सलेक्शन हो जाएगा। अब गाइज, बात आती है तो वो रैंकर्स बैच क्यों चलाया जा रहा है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें क्या हो रहा है कि वो जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका सलेक्शन तो कन्फर्म है, उनका 610-620 तो आ ही रहा है, बट वो रैंक के लिए कर रहे हैं, मतलब कि रैंक उनका जो है पुश हो, वो रैंक उनका अच्छा है, लाइक टॉप 1000 में आए, टॉप 100 में रैंक में आए, तो उसके लिए वो लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो इसलिए उन्हें अलग एक बैच दे दिया गया है जिसमें कि 1-to-1 वो बात कर सकते हैं टीचर से, एंड लाइव डाउट सॉल्विंग भी होगा। तो गाइस, आखिर में यही बोलूंगा कि आपको यस बैच की कोई भी कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट मत करो यार, ऐसे ही टाइम नहीं है, एक तो ऐसे ही बैकलॉग बन जाता है, रिवीजन सही से नहीं हो पाता, और अगर आप वो सब भी देखोगे तो यार कहीं कभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसे आप एकदम नहीं देखो। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बेसिकली इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि सभी को इक्वलिटी हो, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको इक्वलिटी मिले, नहीं तो अगर पीडब्ल्यू जो है ये आपको प्रोवाइड नहीं कराता रैंकर बैच का कंटेंट, तो आप लोगों को लगता है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता कि हमें वो नहीं मिला इसलिए हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, इसलिए ये बेसिकली प्रोवाइड कराया जा रहा है। अलग सर ने जब लॉन्च हुआ था, मतलब कि रैंकर बैच रैंकर टेस्ट होने वाला था, तो उस समय उन्होंने बताया था कि रैंकर बैच एक बनेगा और जितने भी कंटेंट होंगे वो आपको ऑफलाइन फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसलिए वो प्रोवाइड करा रहे हैं। बट आपको इसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिकॉज ये एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही है एक यकीन बैच स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए इसे देखना नहीं है आपको। आप अपना कॉन्टेंट केवल फॉलो करते जाएं यकीन बैच का, एंड उसे अगर आप फॉलो करोगे तो सिलेक्शन आपका कन्फर्म है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो लाइक कर देना अगर आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ भी रह गया होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और गाइज, ऐसे ही वीडियोज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।